बच्चों हम कक्षा 7 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों अध्याय 11 जिसका नाम है परिमाप और क्षेत्रफल। बच्चों हमने इसके 11 भाग पूरे कर लिए हैं जिसमें हमने प्रश्नावली 11.3 के क्वेश्चन नंबर 12 तक पूरे कर लिए थे। आज हम शुरू करेंगे इसका भाग 12 जिसमें हम प्रश्नावली 11.3 के प्रश्न संख्या 13 से 17 तक सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13। एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है। बच्चों देखो ये अंदर दिख रही है ना, ये अंदर वाला वृत्त तो है फूलों की क्यारी। क्या है बच्चों? फूलों की क्यारी। और इसके बाहर एक पथ बना हुआ है जिसकी चौड़ाई कितनी है, जिसकी चौड़ाई दे रखी है 4 मीटर। ठीक है बच्चों, तो फूलों की क्यारी का व्यास तो 66 मीटर है, तो इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बच्चों फूलों की क्यारी का व्यास हमें दिया हुआ है 66 मीटर, जबकि जो बाहर पथ बना है तो अगर हम सेंटर यानी केंद्र से देखें तो बाहरी जो पथ है वहाँ तक का व्यास कितना हो जाएगा, तो वहाँ का व्यास हो जाएगा बच्चों इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक की दूरी, ये कुल दूरी बड़े वाले वृत्त का व्यास हो जाएगा। तो बड़े वृत्त का व्यास कितना होगा, देखो 66 मीटर तो अंदर का है, अब 4 मीटर चौड़ा इधर भी 4 मीटर है और इधर भी 4 मीटर है, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी हो जाएगी 66 में 4 ये और 4 ये, तो 66 और 8 कितने हो जाएंगे, 74 मीटर। तो बच्चों ध्यान रखना टोटल व्यास कितना है 74 मीटर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि फूलों की क्यारी का व्यास, फूलों की क्यारी का व्यास कितना है बच्चों, 66 मीटर। तो बच्चों त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी यानी 33 मीटर। तो फूलों की क्यारी की त्रिज्या आ गई 33 मीटर। अब फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बच्चों फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल, फूलों की क्यारी कैसी है, वृत्ताकार, तो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों पाई का मान लेना है 3.14 के बराबर, तो 3.14 गुणा 33 गुणा 33। ठीक है बच्चों समझ गए सभी, 3.14 गुणा 33 गुणा 33। तो बच्चों 33 को 33 से गुणा करो कितना आएगा, तो देखो 33 को 33 से, एक हजार नवासी कितना आ गया बच्चों, 1089, और इसको गुणा करना है 3.14 से, तो 1089 गुणा 3.14 करो बच्चों गुणा, 36 3 8 32 33 34 9 8 0 1 7 26। बच्चों देखो 6 4 9 1 4 3। तो बच्चों देखो दो संख्या छोड़िए पॉइंट लगाना है, तो 34 19.46 कितना आ गया बच्चों, 34 19.46 ये आ गया सेंटीमीटर। किसमें है बच्चों, मीटर में है ना, तो मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा बच्चों फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल। अब क्या करना है बच्चों, इस बड़े वाले पथ जो चारों ओर पथ बना है ना, इस तक जो वृत्त बन रहा है इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो इस पूरे वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, तो बच्चों बड़े वृत्त का व्यास, ये तो आ गया फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल। अब निकालना है बड़े वृत्त का व्यास। बच्चों बड़े वृत्त का व्यास मैंने अभी बताया कि अंदर फूलों की क्यारी का 66 है, इसमें 4 मीटर इधर का पथ और 4 मीटर इधर का पथ जोड़ेंगे तो 66 + 4 + 4 तो कितना आ जाएगा, 74 मीटर। तो बच्चों त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी 74 की आधी, कितनी हो जाए बच्चों 74 की आधी, 37 मीटर। अब निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो 3.14 गुणा 37 गुणा 37। ठीक है बच्चों समझ गए सभी, 3.14 गुणा 37 गुणा 37, तो इनको गुणा करो, देखो बच्चों 37 को 37 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1369 कितना आ गया बच्चों, तो 3.14 गुणा 1369। ठीक है बच्चों यहाँ तक समझ गए। अब देखो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 33 को 33 से गुणा किया तो कितना आया था, 1089, तो इसको यहाँ पर लिख सकते थे अपन
3.14 × 1089। इससे क्या है बच्चों, हमें 3.14 दोनों में कॉमन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से रखना, इन दोनों को गुणा किया तो हमारे ये आया था, हम इसको यहाँ तक भी रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, हमें इस पथ का क्षेत्रफल निकालना है। तो पथ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल है उसमें से फूलों की क्यारी के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो बच्चों हम लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल कितना आएगा बच्चों, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ गए सभी, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमें पथ का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना है बच्चों, बड़े वृत्त का है 3.14 × 1369, और फूलों की क्यारी का कितना था, 3.14 × 1089। तो बच्चों देखो 3.14 तो कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, 1369 − 1089। ठीक है बच्चों, तो 1369 में से 1089 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 3.14 × माइनस करो बच्चों, देखो 0, 8, 2, तो 280 आ गया, कितना आ गया बच्चों, 280। तो 3.14 को गुणा करना है 280 से। तो अब गुणा सिंपल हो गया ना बच्चों, तो देखो यहाँ पे इस तरफ करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, 3.14 × 280, तो हम 28 से गुणा कर लेते हैं, 8 × 32 11 25 8 2 6 2 9 7 8 0। ठीक है बच्चों, तो कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, दो संख्या छोड़ के, तो कितना आ गया, 879.20। जब बच्चों गुणा भाग ही करना है इसके अंदर, ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर के अंदर। गुणा भाग सही कर लोगे तो अपनी कैलकुलेशन भी सही आ जाएगी, और गुणा भाग में गलती कर देंगे ना, गुणा में ही, तो हमारे आंसर भी सही नहीं आएंगे। तो बच्चों हमने क्या किया देखो, सबसे पहले फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल निकाला, जो कितना आ गया, 3.14 × 1089, क्योंकि 33 को 33 से गुणा करते हैं तो 1089 आता है ना, तो इसको यहीं तक रहने देना। आगे बड़े वृत्त का व्यास कितना है, 74 मीटर, तो 3.14 × 37 × 37, त्रिज्या आ गई 37, तो 37 × 37, अब इसको कर दिया हमने 3.14 × 1369। अब क्या करना है, पथ का क्षेत्रफल, तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है 3.14 × 1369, और क्यारी का क्षेत्रफल है 3.14 × 1089, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 879.20 m², यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के, क्वेश्चन नंबर 13 को उतार लो। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 14, एक वर्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल 314 m² है, बगीचे के केंद्र में घूमने वाला एक फव्वारा लगा है, मतलब एक वर्गाकार बगीचा है, इसके बीच में क्या लगा हुआ है, एक फव्वारा लगा हुआ है, इसका क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 314 m², तो हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल 314 m², ये हमें पूरे बगीचे का दिया हुआ है। अब इसके अंदर एक फव्वारा लग रहा है, और जो अपने चारों ओर 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल में पानी का छिड़काव करता है, इस जो 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल में पानी का छिड़काव करता है, तो हमें बताना है कि क्या फव्वारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा। तो मतलब हमें बताना है कि क्या फव्वारे से इस पूरे बगीचे का क्षेत्रफल कवर हो रहा है या नहीं। अगर फव्वारे का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, फव्वारे के एरिया का क्षेत्रफल, तो वो अगर इसके बराबर आ रहा है तो ये कवर करेगा, और बराबर नहीं आ रहा है तो छिड़काव नहीं करेगा। तो हमें केवल फव्वारे के क्षेत्रफल को निकालना है। तो बच्चों ये बताओ, फव्वारे की त्रिज्या कितनी है, फव्वारे की त्रिज्या 12 मीटर, फव्वारे के क्षेत्रफल की त्रिज्या है 12 मीटर, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा πr², तो 3.14 × 12 × 12। तो बच्चों 12 को 12 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 12 को 12 से करें तो 144, तो 3.14 × 144। तो बच्चों गुणा करके देखो कितना आता है, 3.14 × 144, 4 × 16 = 1, 4 × 4 = 5, 4 × 3 = 12, 6 + 5 = 2, 1
चार एक तीन छः एक दो पाँच चार, तो कितना आ गया बच्चों 452.16 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों फव्वारा कितनी दूर में क्षेत्रफल में सिंचाई करता है 452.16, मतलब ये तो इसे जो वृत्ताकार बगीचा है ना इसके बाहर तक सिंचाई कर रहा है। ध्यान से देखो बच्चों, वृत्त के इस वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल तो दिया हुआ है 314 मीटर स्क्वायर, जबकि फव्वारे का क्षेत्रफल कितना आ गया 452.16 मीटर स्क्वायर। तो क्या ये पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर देगा? तो बच्चों हम लिखेंगे हाँ, तो हम लिखेंगे हाँ फव्वारा पूरे बगीचे में छिड़काव करेगा, ठीक है बच्चों, पूरे बगीचे में ही छिड़काव करेगा। समझ गए सभी? क्वेश्चन नंबर 14 सबका क्लियर हो गया कि हमें पहले वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ था और पूछ रहा था कि एक फव्वारा लगाए तो क्या वह पूरे वृत्त इस बगीचे में क्षेत्रफल में छिड़काव कर सकता है या नहीं। तो हमने निकाला उसका क्षेत्रफल तो इस बगीचे के क्षेत्रफल से भी ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब वह छिड़काव कर सकता है, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 15, आकृति में अंतः और बाह्य वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। बच्चों देखो एक आकृति दी हुई है, इसके अंदर ये वृत्त तो है बाह्य वृत्त और ये वाला वृत्त है अंतः वृत्त, इन दोनों वृत्तों की परिधि ज्ञात करनी है। तो बच्चों सबसे पहले परिधि के लिए क्या आवश्यक है? परिधि के लिए आवश्यक है इनकी त्रिज्या ज्ञात होना। तो बच्चों देखो यहाँ जो केंद्र है, केंद्र से इस बड़े वृत्त तक की दूरी कितनी है? 19 मीटर। कितनी देर की है? 19 मीटर। तो बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है वही बच्चों 19 मीटर, और अंतः वृत्त की त्रिज्या कितनी है बच्चों? अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी इस बिंदु से लेकर यहां तक की दूरी, ये जो दूरी है ना अंतःवृत्त तक की, ये दूरी हो जाएगी अंतःवृत्त की त्रिज्या के बराबर। अब बच्चों देखो टोटल दूरी 19 है, यहां से यहां तक 19 है और इनके बीच की दूरी 10 है, तो ये दूरी कितनी बचेगी? 19 में से 10 को घटा देंगे यानी कि 9 मीटर। तो बच्चों दोनों वृत्तों की त्रिज्या हमें ज्ञात हो गई, तो इनकी हम परिधि भी ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले देखो बाह्य वृत्त की परिधि, बाह्य वृत्त की परिधि, परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr, और पाई का मान रखना है बच्चों 3.14 के बराबर। तो देखो बच्चों 2 × 3.14 × r, r कितना आ गया बच्चों बड़े वृत्त की 19 मीटर, तो 19। अब बच्चों 19 को 2 से गुणा करेंगे तो 38, तो 3.14 को 38 से गुणा करना है तो कितना आएगा बच्चों? देखो 3.14 × 38, तो गुणा करके देखो 8 × 4 = 32, 3 × 8 = 8 और 3 = 11, 8 × 3 = 24 और 1 = 25, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 4, 3 × 9 = 9, तो बच्चों 2, 3, 9, 11, तो 119.32, तो कितना आ गया बच्चों 119.32। अब बच्चों देखो किस में दी हुई है त्रिज्या? मीटर में, तो 119.32 मीटर। ये आ गई बच्चों बाह्य वृत्त की परिधि, ठीक है बच्चों समझ गए सभी? एक का आंसर आ गया बाह्य वृत्त की परिधि कितनी आई 119.32 मीटर, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे अंतःवृत्त की परिधि, अंतःवृत्त की परिधि, अंतःवृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी? अंतःवृत्त की त्रिज्या है 9 मीटर, तो वही 2πr, तो 2 × 3.14 × 9, तो 3.14 × 9 दूनी कितना होता है 18, तो 3.14 को अब 18 से गुणा करना है तो कितना आएगा? देखो 8 × 32, तो देखो ये आ गया और ये आ जाएगा 314, तो 2, 5, 6, 5, तो 56.52 मीटर। ये आ गई बच्चों अंतःवृत्त की परिधि। तो बच्चों अंतः और बाह्य दोनों वृत्तों की परिधि हमने निकाल ली, समझ में आ गया सभी के? दोनों की पहले त्रिज्या निकालनी है, फिर त्रिज्या निकालने के बाद दोनों की परिधि निकालनी है। तो परिधि का सूत्र 2πr होता है, त्रिज्या 19 मीटर और 9 मीटर आ गई, तो परिधि आ जाएगी 119.32 मीटर और 56.52 मीटर, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर है सभी का? अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन क्या है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घूमना पड़ेगा।
तो बच्चों एक पहिया है, पहिए की त्रिज्या कितनी है? पहिए की त्रिज्या दे रखी है 28 सेंटीमीटर। बच्चों पहिया जब एक बार घूमता है तो कितने चक्कर पूरे करता है? एक चक्कर। पहिया एक बार घूमेगा तो एक चक्कर पूरा करेगा, और दूरी कितनी हो जाएगी? उस पहिए की परिधि के बराबर, अर्थात वृत्त की जो परिधि होती है ना, वो पहिए के एक चक्कर की दूरी के बराबर होगी। तो बच्चों पहिए के एक चक्कर की दूरी, एक चक्कर की दूरी बराबर हो जाएगी परिधि के बराबर। तो बच्चों वृत्त की परिधि निकालनी है हमें, तो वृत्त की परिधि कैसे निकालेंगे? वृत्त की परिधि होती है 2πr के बराबर, बराबर 2πr। अब बच्चों पाई का मान कितना रखना है? 22/7। तो 2 × 22/7 × 28। बच्चों 7 और 28 किससे करते हैं? 7 से। तो 7 × 7 और 7 × 28, तो कितना आ गया बच्चों? 2 × 22 × 4। अब देखो 22 को 2 से गुणा किया तो 44, और 44 को 4 से गुणा करेंगे तो 176। कितना आ गया बच्चों? 176। अब देखो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। ये आ गया बच्चों वृत्त की परिधि, यानी एक चक्कर में तय दूरी। बच्चों एक चक्कर में तय दूरी कितनी आ गई बच्चों? 176 सेंटीमीटर। अब बच्चों कुल दूरी कितनी है? 352 मीटर। तो देखो सबसे पहले तो कुल दूरी हमें दी हुई है 352 मीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं बच्चों? क्योंकि देखो हमारी जो दूरी आई वो सेंटीमीटर में है और ये दे रखी है मीटर में, तो मीटर को पहले सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो इसको गुणा कर देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, अर्थात 35,200 सेंटीमीटर। ये आ गई दूरी। तो इतनी दूरी तय करने में कितने चक्कर लगेंगे? तो बच्चों एक चक्कर में, एक चक्कर में कितनी दूरी हो रही है? 176 सेंटीमीटर। तो हम देखो कैसे लिखेंगे? एक एक नियम से। तो इसके बाद देखो एक एक नियम लगाना है, कैसे निकलेंगे? तो बच्चों देखो 176 सेंटीमीटर दूरी में चक्कर कितने हैं? एक। ठीक है बच्चों, 176 सेंटीमीटर दूरी में कितने चक्कर लगे? एक चक्कर। तो बच्चों 1 सेंटीमीटर दूरी में कितने चक्कर लगेंगे? एक एक नियम में पहले एक का निकाल दे, 1 सेंटीमीटर दूरी में चक्कर कितना हो जाएगा बच्चों? 1/176 चक्कर। और टोटल दूरी है 35,200 सेंटीमीटर दूरी में चक्कर, तो ये आ जाएगा, इसको 1/176 को गुणा कर देंगे 35,200 से। ठीक है बच्चों, अब देखो 176 का दुगना कितना होता है? 352। तो 176 × 176 × 2 = 352। तो बच्चों कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 200 चक्कर। तो बच्चों एक पहिए को इतना 352 मीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर की आवश्यकता होगी? 200 चक्करों की आवश्यकता हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया सभी को? उतार लो इसको अपनी कॉपी में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर है सभी का? अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17। तो 17वां क्वेश्चन क्या है? एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। देखो बच्चों एक वृत्ताकार घड़ी, इसमें मिनट की सुई की लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया? इस वृत्ताकार घड़ी की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो मिनट की सुई को एक घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? मिनट की सुई कहाँ से रवाना होगी? 12 से रवाना हुई, तो एक घंटे में वापस पूरा चक्कर लगाकर यहाँ आ जाएगी। तो एक चक्कर पूरा लगाने में कितनी दूरी तय करी ये पूछा है। तो बच्चों वृत्त का एक चक्कर लगाते हैं तो कितनी दूरी तय होती है? वृत्त की परिधि के बराबर। तो हम लिखेंगे घड़ी की मिनट की सुई द्वारा एक घंटे में तय दूरी बराबर वृत्त की परिधि। ठीक है बच्चों, वृत्त की परिधि आ गई। अब वृत्त की त्रिज्या कितनी है? जो सुई की लंबाई है उतनी। हम लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी है बच्चों? 15 सेंटीमीटर। तो परिधि कितनी आ जाएगी? परिधि हो जाएगी 2πr। अब बच्चों पाई का मान कितना रखना है? 3.14। तो आगे देखो, तो परिधि बराबर
दो गुणा 3.14 गुणा आर का मान कितना है 15। बच्चों 15 को 2 से गुणा करेंगे तो 30, तो 3.14 गुणा 30, तो 3.14 को 30 से गुणा करना है। तो गुणा करके देखो बच्चों, 3.14 गुणा 30, तो 0 0 0, 1 3 3 और 1 4, 3 3 9, 2 4 9, कितना आएगा बच्चों 94.20, 94.20 बच्चों सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर ही आएगा, हमें परिधि है ना, क्षेत्रफल होता है तो स्क्वायर आता, परिधि है तो सेंटीमीटर आएगा, तो 94.20 सेंटीमीटर ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो घड़ी की मिनट की सुई द्वारा एक घंटे में तय दूरी कितनी हो जाएगी 94.20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को, क्वेश्चन को उतार लो अपनी नोटबुक में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर है सभी का? बच्चों हमने प्रश्नावली 11.3 पूरी कर ली है और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी। बच्चों फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बच्चों अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 11.4 के उदाहरण। थैंक यू।